और अपनी कमेटी और तमाम सामेईन की तरफ से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रोग्राम में आप आए इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? आपने तासुरात चंद जुमलों में, चंद लफ्जों में आप हम सबके सामने बोले। धन्यवाद। आज बहुत ही खूबसूरत महफिल सजा है। जलसा तो बहुत किस्मत से लोगों को उसमें अपना बहुमूल्य समय निकाल के आते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुमूल्य ये समय है और इसका सदुपयोग करना है। और यहाँ पे आए हुए मौलाना साहब हैं, बहुत सारे कवि कलाकार हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और हमारे इस जगह को रोशन कर रहे हैं, इस जगह का गरिमा बढ़ा रहे हैं। उनके लिए हम तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से जलसा में जो हम महसूस करते हैं, हम तो हर जगह जाते हैं, लगभग कोशिश करते हैं कि कहीं भी छूटे नहीं, और लोगों का जो उम्मीद है हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, और जिस उम्मीद से हमको देखते हैं तो शक्ति को तो दुगना करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो जिस तरह से जलसा में हम देखते हैं कि लोग आते हैं, लोगों को मार्गदर्शन भी दिया जाता है, लोगों को कई तरह की चीजें समझाए जाते हैं, हुसैन की बातें किए जाते हैं और कई तरह के बातें किए जाते हैं, लेकिन ये जलसा के बाद हम देखते हैं जो हम बाहर की दुनिया में जो लोग फिर वापस जाके मिल जाते हैं, बट जाते हैं, चाहे वो लोभ के चक्कर में बट जाते हैं, चाहे जायदाद के चक्कर में परिवार से बट जाते हैं, चाहे धर्म या जाति के चक्कर में आपस में बट जाते हैं, तो जो देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग तो मजबूत लोग हैं, हम लोग टूटते नहीं हैं, लेकिन जो लोग टूट जाते हैं उनकी इंसानियत टूट जाती है, क्योंकि उनके इंसानियत को तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए हम सबको ये चीज तो जरूर सीखना चाहिए कि जब अच्छा इंसान मिलता है और आपके दुख में कोई भी अच्छा व्यक्ति है, या कभी भी कोई अगर आपके दुख में साथ दिया हो कभी भी, तो उसको इंसानियत से के तौर पे धर्म और जाति से ऊपर उठ के उसको देखने का काम करें, ताकि इंसानियत जिंदा रहे। हर जगह इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अब हम सबको मेहनत करने की जरूरत है, हम लोग को प्रोत्साहन करने की जरूरत है। कोई अच्छा काम किया तो उसको प्रोत्साहन करना है, कोई किसी का मदद किया तो उसको प्रोत्साहन करना है, ताकि हम सब इंसान के रूप में जरूर हैं और वो इंसानियत जिस रूप में इंसान को एक उम्मीद किया जाता है कि वो इंसान के अंदर एक इंसानियत होती है, वो इंसानियत हमेशा बनी रहे। और जैसा कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, हम भी जिस तरह से करोड़ों लोग हुसैन के दीवाने हैं इस बात के कि वो न्याय के लिए कभी झुक, मतलब अन्याय के खिलाफ लड़े और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहे, कभी झुके नहीं। 72,000 लोग एक तरफ और उनके सिर्फ परिवार और खानदान एक तरफ। आप तभी जीतेंगे और तभी ये जलसा का रिस्पेक्ट रहेगा, तभी ये जलसा का आप आदर कर सकते हैं, जब आपके दिमाग में, आपके मन में एक सवाल का जवाब अगर हाथ आएगा, और वो सवाल है कि आप अगर हुसैन की जगह में होते और एक तरफ 72,000 लोग होते और एक तरफ आपके परिवार, तो मैक्सिमम लोग तो मैनेज हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम झुक जाएंगे। तो कितने लोग हैं जो हुसैन की तरह बोलेंगे कि नहीं नहीं हम न्याय के लिए हम लड़ेंगे और झुकेंगे नहीं? हमको तो नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम बहुत देखे हैं। इसीलिए अपने जहन में इसको उतारने की जरूरत है हम सबको, और अपने इंसानियत को बचाने का ये संघर्ष करते रहना है, क्योंकि खाली हाथ जाना है। अगर इंसानियत को लेके नहीं जाएंगे ऊपर और अपने आप को हैवान बना के ऊपर पहुंचाएंगे, तो जगह भी उसी तरह का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत प्रेम हमेशा मिलते रहता है यहाँ मदरसा के लिए। हम पूरी तरह से तत्पर हैं, हम तो योजना में फंड भी लिख के दे दिए हैं, लेकिन काम क्यों नहीं करा पा रहे अब पता नहीं।
तो काम क्यों नहीं करा पा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, क्योंकि विधायक का चुनौती बहुत होता है। नहीं नहीं दिए हैं। अच्छा मदरसा में हम लोग बात कर लेंगे और इसको हम लोग एक हफ्ता, ये मेरे लिए भी बहुत ताज्जुब का बात है, हम जब भी यहाँ आते हैं तो सोचते हैं ये बना क्यों नहीं है अभी तक। तो क्योंकि दो हाथ है मेरा भी, दो पैर है मेरा, और आप सबका अगर हाथ पैर मिल जाए तो मेरे पास बहुत हाथ बहुत पैर हो जाएगा, इसलिए आप लोग के सहयोग के बिना हम क्षेत्र नहीं चमका पाएंगे, और जो काम होगा वो आप ही लोग करेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग मदरसा में बैठ के इसको 10 दिन के अंदर इसका क्या दिक्कत हो रहा है वो चीज को समझने के लिए आएंगे, क्योंकि मेरे तरफ से जो करना था वो हम कर दिए हैं, लेकिन आगे का जो भी ठेलना ढकेलना है उसको करना है तो उसको करेंगे हम लोग मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत बहुत इम्प्रेस्ड है आप आए यहाँ पे, सबके दिल पे अपना जगह बनाए हैं, और कमेटी धन्यवाद। थैंक यू मैडम, आप हमारे यहाँ पधारे इसके लिए शुक्रिया। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की सुपुत्री विधायक अंबा प्रसाद, खूबसूरत मैसेज दिया हम कमेटी वालों की जानिब से, नौजवानों की जानिब से, हजरत अल्लामा अनवर हुसैन साहब किबला की जानिब से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप